गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले स्टैंड अप कॉमेडी पर जो कि है किसी खान का एंड इसका टाइटल है पापा नंबर 1। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पापा नंबर 1 टाइटल जो होता है। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो को देखें, आप उससे पहले हमारे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो एंड बिग लाइक कर। लेट्स गो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे फादर रिटायर्ड हो गए। मेरे को बहुत ऐसा लगता था यार, पापा को घर पे रहना चाहिए यार, कहाँ चले जाते हैं काम पे। पापा रिटायर हुए 3 दिन में फिलोसफी चेंज हो गई मेरी, क्योंकि ये आदमी सीधा नहीं बैठ गया, हर चीज मोंगली। घर का रेनोवेशन हो रहा है, कह रहा सबको बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन मत बुलाना। हमने क्या क्यों कहता, लाइट फिटिंग मैं करूँगा। बाप को कौन मना कर सकता। हमने लाइट फिटिंग करवा ली, फिर जब हमने चेक किया, हमने बटन दबाया तो लाइट चली। ये बढ़िया काम कर, लाइट चली। हमने स्विच को ऑफ करा, टीवी चालू हो गई। ये लाइट, ये टीवी। अब हम खेलने लग गए, लाइट टीवी। आप समझ रहे हो, उजाले में टीवी देख ही नहीं पा रहा था। ये लाइट, ये टीवी। हमने बीच में रोक दिया, कूलर चालू हो गया। ये कनेक्शन आप सोच के करो, नहीं कर पाओ। अलग अलग पर्सनैलिटीज रहती हैं, भाई को अंधेरे से डर लगता है, पापा को गर्मी बहुत लगती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक कनेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप पंखा चलाओगे तो टॉयलेट की लाइट बंद हो जाती है। तो दोस्तों रात में बड़ी दिक्कत हो रही, पापा को गर्मी लगती, भाई हगने नहीं जा पा रहा। वो पंखा चलाते हैं, वो बाहर आ जाता है। किरण से बोलो गर्मी झेल ले तो धो लूं मैं। और मैं कह रहा हूं, चलो छोटे मोटे काम कर लिए तुमने, जब बड़ा काम आए तब तो स्पेशलिस्ट बुलाओ ना। टीवी पूरा खराब हो चुका है, बुला लो। कहला नहीं मैं सुधार दूंगा। यूट्यूब खोल के बैठ गए, 12 घंटे सुधारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम 24 घंटे सुधारो। लेकिन सुधरने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए उसके प्लग मुझसे क्यों लगवा रहे। करा चेक करना, प्लग लगाओ। भाई मैंने प्लग उठाया, मेरे हाथ कांप रहा है। उसमें भी करा, बाप पे भरोसा नहीं करोगे। है, लगा रहा हूँ यार, एक सेकंड। मौत के सबसे करीब मैं हूँ। मैं लगाने वाला था, एक सेकंड पहले मैंने मुड़ के देखा, मेरा सगा बाप ऐसे खड़ा। मार देंगे भाई। यार केबीसी देखना मुश्किल कर दिया मेरा। पहले हम लोग चिल होके देखते थे, अब एक बात बताओ, अगर मेरे शहर का बंदा हॉट सीट पर चला गया तो मेरी क्या गलती। तू क्यों नहीं जा रहा, तुझे भी तो पढ़ाया हमने। लोग हॉट सीट तक जा रहे हैं, तुम टॉयलेट सीट पे ही बैठे रहते। और पता नहीं क्यों हर पापा को ये लगता है कि उनके पास सारा नॉलेज है, बस केबीसी वाले ले जा नहीं रहे। क्योंकि मैंने देखा है, वहां केबीसी चालू होता है, इनका भी चालू हो जाता है। 1000 के सवाल पे वो बंदा मेहनत करके वहां पहुंचा है, उसे उसका टाइम लेने तो ये उसे ही डांट दे रहा है। कह रहा अबे ए लगाना। वो नहीं लगा रहा, टाइम ले रहा, तो वैलिडेशन ले रहा घर, वो बताओ ये लोग पहुंच जाते। 2000 के सवाल पे मेरे पापा खड़े होके टीवी पे बी क्लिक कर रहे। हमको लग रहा है यहीं से लॉक होता है। और कितना ही दिमाग होगा तुम में, तुम मेरे पापा में जानता हूं, तुम्हारा पूरा दिमाग सिर्फ 10,000 के सवाल तक का ही है। क्योंकि 20,000 पे कंफ्यूज देखा मैं, 2 जवाब दे। कह रहा इसका या तो ए है, डी तो हो गई होगा। उसने 50-50 ली, दोनों गायब। अब शर्म आ गई, मुंडी नीचे कर। मैं कह रहा हूं पापा के लग क्या हुआ।
सी निकला. कह रहा बेटा सी तो हमारे घर में मुझे पता था ऐसा ही हो गया, पक्का पता था ये ऐसा ही हो गया. सरल सवालों के जवाब पूरा खानदान दे देता है. जैसे ही 50 लाख 1 करोड़ का सवाल आता पूरा खानदान तो मैं देता हूँ. इसका जवाब तुम भाई 50 लाख के सवाल में आपने इंजीनियरिंग करी हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, डजंट मैटर, वो कुछ भी पूछते हैं. हाँ, मुझसे पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिक आइलैंड पर 1978 में पहला बच्चा कौन हुआ. घर वाले मुझसे कह रहे बताओ. मैंने कहा तुम बताओ 1995 में भोपाल में सबसे गरीब परिवार में कौन जन्मा. कह रहे हमको नहीं पता. मैंने कहा अपनी औलाद का पता नहीं तुम. 78 में अंटार्कटिक में किसकी, मुझे पता हो. और सच में नहीं पता भाई इनको. मेरा बर्थडे में पूछता हूँ ना मैं कब हुआ था तो उल्टी सीधी बातें करते हैं. मैंने कहा मैं कब हुआ था, कहला उस टाइम ना बारिश. मूड नहीं पूछा. मैंने भाई से पूछा तुझे तो पता होगा, तो भाई कह रहा हाँ हाँ याद है मेरे को, उस टाइम ना भोपाल में तंग. क्या करूं इस इन्फॉर्मेशन को. दोस्तों आप बर्थडे कब मनाते हो, जब वो इवेंट रिपीट होता दंगे हो रहे हैं. 10 साल बर्थडे नहीं मना पाया. पहला बर्थडे गुजरात में मनाया. मैं भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ रिसेंटली और बहुत सी चीजों में चैलेंज हो रहा है मेरी लाइफ में. जैसे कि पहले दूसरे दिन ऐसे मम्मी की बहुत याद आई. एक तो होम सिकनेस, दूसरी चीज चाय भी खुद ही बनानी है. चाय खाना सब अब तुम्हें ही करना है. मैंने कोशिश करी बनाने की, फिर जब खाया तो पता चला बाहर वाले अच्छे. फाइनली थक हार के मैंने जोमेटो डाउनलोड किया. उसमें ना कोई भी फूड कॉम्बिनेशन अपनी पसंद का खा ही नहीं पा रहा हूँ. क्योंकि सिर्फ पहला आइटम होता है मेरी पसंद का और दूसरा आइटम होता है जोमेटो की पसंद का. क्योंकि इन्होंने कूपन कोड्स निकाले और नेक्स्ट आइटम आप वही ऐड करते हो जो उस कूपन कोड के अकॉर्डिंग फिट बैठता. ट्राई करना मुझे ये खाना आपने ऐड करा, नीचे नोटिफिकेशन आ जाएगा 20 रुपए कुछ हो गया, 80 रुपए ऑफ कर देंगे. और उसको देखने के बाद आप कितने ही अमीर क्यों ना, आप गधों की तरह आधे आधे घंटे तक 20 रुपए वाला आइटम. इतना खो जाते हैं ना हम ढूंढने में, 30 वाले दिखता वो भी नहीं, 20 का ही लेंगे. ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन मंगाया आप यकीन नहीं करोगे. एक दिन डिलीवरी बॉय आया, उसने बेल नहीं बजाई, गेट में लगा. मैंने खोला, मैंने कहा क्या हुआ. कहता सर आपको शर्म आनी चाहिए, वर्जन मोहितो के साथ यहाँ के तो नहीं लग रहा. इस एरिया में 2 साल से सर्विस कर रहा हूँ. जा भाई क्या सुना रहा है मेरे. कह रहा नहीं जो मंगाया खा. मैंने 2-4 बार मंगाया, इनको लगने लगा. एक बार मैंने सिर्फ वर्जन मोहितो तो मंगाया, फिर रोटी मंगाई. मैं कह रहा हूँ देख भाई नहीं मंगाइए. कह रहा सर पैसे वाली बात नहीं. आपका टेस्ट खराब नहीं होगा, रोटी दोस्तों. मैं पता नहीं अभी रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगा बट एक सिचुएशन थी, मुझे अच्छी लग रही थी वो. मेरे हिसाब से तो मैं डेट ही कर रहा था. मैं खुश था, वो खुश थी, मैं उसके घर जाता रहता था, बढ़िया चल रहा था. पर जमाना खुश नहीं होता है. बिल्डिंग का गार्ड आ गया, कह ले धराओ. कहता तुम मेरे दोस्त जैसे, इसलिए तुमको समझा रहा हूँ. मैं वहीं ऑफेंड हो गया. पूरी बिल्डिंग में तेरी दोस्त.
मैं इनका बोल कहता है तुम तो बॉयफ्रेंड हो पर तुम्हारे जाने के बाद यहाँ एक लड़का हो रहा था। मैं इनका बता रहा हूँ कहता है क्यों। मैं इनका बॉयफ्रेंड वही आता। तो गाइस हमने वीडियो देखी एंड हमने शायद इनकी वीडियो पहली बार रिएक्ट करा लेकिन इनकी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। इनके टाइटल के हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा सस्ता रिलेटेबल था तो हर इंडियन फैमिली के घर में ऐसा पापा जरूर जाता है भाई ये काम मैं करूँगा और जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो बस सारा काम मैं ही करूँगा। आप बस दिख जाते जो सारे काम करने के लिए रात करते हैं बहुत ज्यादा अच्छा था। बहुत अच्छे से बहुत मजा आया भाई मुझे बहुत ज्यादा मजा आया बहुत मतलब अच्छा था। और ऊपर से जिस तरह से वो बोल रहे थे उनका फेस जो बिल्कुल था ना कि मतलब एक्सप्रेशन ही नहीं थे मतलब इंसान ऐसा बोल रहा है हंस भी नहीं रहा ना मस्त था बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।